हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हम जब टीन एज में होते हैं तो हमारे स्किन पे बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, जिससे हमें छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ टिप शेयर करने वाली हूँ गाइस, कुछ ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ गाइस जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपके स्किन पे एक्ने और स्कार्स हो रहे हैं एंड आप अपनी स्किन पे यू नो फेस पे ग्लो लाना चाहते हो। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एंड आप कह सकते हो कि बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि गाइस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डेली नए नए वीडियोज लेके आती हूँ, नए नए ब्लॉग्स लेकर आती हूँ, और उसमें आपके स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप के बहुत सारे टिप्स लेकर आती हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क, और ये 50 ग्राम का है एंड इसमें नो पैराबिन्स, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल है। तो इस तरीके से एक ये पपाया फेस पैक है और एक बहुत ही अच्छा सा यू नो प्यारी सी बॉक्स में आती है। आप देख सकते हैं इसका जार बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ओनली एंड ओनली पपाया से ही बना हुआ है। तो लेट मी ओपन दिस एंड उसको ओपन करने के बाद आपको एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का कैप मिलेगा एंड यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक लिड है, इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये पपाया फेस पैक है। चलिए इसको एज इट इज़ अप्लाई करना है, इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। तो गाइस ये जो पपाया फेस पैक आप देख रहे हैं, ये जो है पपाया जो होता है हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और हमारी स्किन पे जितने पिंपल होते हैं, स्कार्स होते हैं, उनको जो है यू नो दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि आप फ्रूट फेशियल कराते हो तो उसमें पपाया फेस पपाया का यू नो कुछ क्रीम वगैरह जरूर होती है अगर आप फ्रूट फेशियल कराने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पपाया का यू नो फेस पैक भी अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक ब्रश और को जो है एक लेयर से अपने फेस पे अप्लाई करनी है गाइस। और ये बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी है, बहुत सिंपल सा फेस पैक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम। और इसको अप्लाई करने का ये किस टाइप के स्किन टोन के लोग यूज़ कर सकते हैं तो ये भी बता देती हूँ आपको, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन टोन के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी स्पेशली नहीं है कि आपको ओनली ऑयली स्किन के लिए है या फिर ओनली ड्राई स्किन के लिए है। तो गाइस आपको इस तरीके से कुछ लगा के रखना है 10 से 15 मिनट और इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है। जब थोड़ा सा ड्राई रह जाए, मतलब थोड़ा सा वेट रह जाए, तो फिर आपको इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और आप इसको किसी भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्किन टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसको अप्लाई करने के आपको 2 से 3 दिन के बाद ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये इंस्टेंट फेस पैक नहीं है, बट हाँ अगर आप 2 से 3 दिन बाद इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप डेली यू नो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ड्राई हो जाता है फिर आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है ये थोड़ा ड्राई हो गया है, देखिए ड्राई हो गया है। अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता है, क्योंकि जब ड्राई हो जाता है थोड़ा सा यू नो स्किन बहुत टाइट हो जाती है। तो मैं इसको फेस को ड्राई करके मतलब फेस वॉश करके आती हूँ नॉर्मल वाटर से, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से क्लीन हुआ और इसके बाद आपको क्या करना है। तो गाइस मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब मैं फेस को पैट ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद और एक स्टेप है, क्योंकि हम जब भी फेस पे कोई भी फेस पैक अप्लाई करें तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। और अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि मेरे फेस पे थोड़ा सा इफेक्ट पता चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे थोड़ा सा यू नो स्किन पे थोड़ी क्लीन लग रही है मेरी स्किन। और आप देख सकते हैं ये देखिए, तो
मेरी स्किन थोड़ी क्लीन लग रही है और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी अप्लाई करेंगे, बस 10 मिनट का काम है। आपको कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा, जस्ट आपने फेस पैक लिया और अप्लाई कर लिया अपने फेस। के बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर। तो आप अगर निविया का मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते, अदरवाइज कोई सी भी थोड़ा आपके स्किन को अपने को मॉइस्चर देना है और बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, अगर नॉर्मल है तो भी अप्लाई कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम कोई फेस पैक लगाते हैं और अपनी स्किन ऐसे ही छोड़ देते हैं फेस वॉश करके, तो हमारी स्किन बहुत हद तक डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और जो है फिर आपको अपनी स्किन को छोड़ देना है। और गाइस आपको ये जो फेस पैक, इसको लगाने के बाद जो है कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आपको इसको जो इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। तो वैसे ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करेगा, शेयर करेगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पैक को किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी दिन। तो आप इसको अप्लाई कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो चलिए गाइस अच्छे से एक और नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, एटीट्यूड, बाय गाइस।